हेलो दोस्तों, आदित्य एम ब्लॉग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, समुद्र के नीचे क्या है, यह सवाल लगभग लोगों के दिमाग में गूंजता है। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर देखना चाहते हैं तो आपको करीब 5 करोड़ रुपया खर्च करना होगा, तब आप समुद्र के सबसे नीचे जाकर देख सकेंगे। लेकिन आपको इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बिना खर्च किए मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में समुद्र के नीचे सबसे गहरे जगह को तथा कौन कौन से जीव रहते हैं तथा कितने प्रकार के जीव रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि समुद्र में जितने भी जीव रहते हैं उसमें से हम आज तक मात्र 5% ही जीवों को देखे हैं। बाकी के 95% जीवों को आज तक कोई नहीं देखा है। इस वीडियो में मैं आपको उन जीवों को दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि अगला वीडियो जाने तक आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, हम वीडियो करते हैं शुरू। समुद्र के सबसे गहरी जगह को चैलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10,905 मीटर से 10,950 मीटर तक मापी गई है। समुद्र के इस गहरे जगह पर प्रकाश न जाने के कारण इतना अंधेरा होता है कि यहाँ एक अलग ही प्रकार की चश्मे का जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर इंसानों को जाने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि चैलेंजर डीप में आज तक बहुत कम लोग ही गए हैं, क्योंकि समुद्र का यह हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी गहरा है तथा समुद्र के इस गहरे जगह पर जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और आपकी जान की भी डर हमेशा लगा रहता है। समुद्र को ऊपर से देखने पर बहुत ही सुंदर तथा शांत दिखाई देता है, लेकिन नीचे ऐसा नहीं है। नीचे कई प्रकार के खतरनाक जीव तथा उथल पुथल होता रहता है तथा बहुत ही बड़े बड़े गुफा भी मौजूद हैं, जिन गुफाओं का निर्माण पानी के कटाव के कारण होता है। उतना ही नहीं, समुद्र के अंदर गुफा के साथ साथ कई सुरंगें भी मौजूद हैं, जिसमें से कुछ सुरंगों तक इंसान भी जा चुका है। दोस्तों, समुद्र में भी ज्वालामुखी का निर्माण होता है और वहाँ ज्वालामुखी फटता है। उसी के फटने से कितने जीव जीवित रहते हैं, कितने जीवों के लिए गर्म पानी मिल जाता है। कभी कभी यह ज्वालामुखी इतना तेजी से फटता है जिसके कारण समुद्र के लहरें तेज हो जाती है तथा सुनामी जैसा आपदा आता है। दोस्तों, धरती पर जैसे जीव, पेड़ पौधे, पहाड़, घर देखते हैं, वैसे भी समुद्र में ही है, जो देखने में बेहद खूबसूरत दिखता है। आज हम पृथ्वी पर जितना गंद मचाए हैं, अगर वैसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा का पूरा समुद्र भी गंदा हो जाएगा तथा सारे समुद्री जीव भी मारे जाएंगे। अतः हमें अपनी गंदगी पर कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो पृथ्वी के सारे जीव विनाश के कगार पर चले जाएंगे। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है तथा कैसा दिखता है। अगर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आदित्य एम ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।